से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ पे विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप अति मान्यवर बिशप सभी उपस्थित मेरे प्रमुख भाइयों और सभी सिस्टरगण विश्वासीगण और मेरे प्रिय छोटे बेटे, और यह दुख वास्तव में प्रेम का चिन्ह है, प्रेम का साक्ष्य है। हम जितना अधिक किसी के साथ संबंध बनाए रखेंगे, जितना और धरोहर प्राप्त की थी, ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम सिस्टर विजय कांता के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी क्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करें, इसके लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम माधव माध्यम हैं जो कई कारणों से दूरी अथवा अन्य असुविधाओं के कारण यहाँ नहीं उपस्थित हो सके, हम उन सभी लोगों के लिए, उन शोकित परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सांत्वना दे और इस विश्वास में जी।
प्रभु समझते हैं दुख के आंसू भर आते हैं तो भी वह चाहते हैं कि हमारे व्याकुल नहीं शांति में रहे। शांति से हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सब के लिए मृत्यु अनंत जीवन का प्रवेश है और हम इस सारे हमारी बहन विजय कांता का दर्शन नहीं कर पाया है। कथा पूर्वक आकर आत्मा का दर्शन करते हुए इसके बाद हम प्रार्थना करते हुए कब्रस्थान कॉन्वेंट कब्रस्थान प्रस्थान करेंगे।